हिमाचली छोकरा में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिक्कत चली है वाईफाई में। तो आज मैं आपको अपना वर्क दिखाऊंगा कि मैं किस फील्ड में काम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं हो चुका हूँ रेडी और मैं देख रहा हूँ अपना गेटअप। ये मेरे सिर के ऊपर बुशहरी टोपी, हिमाचली स्वैग। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये टोपी मेरे सिर के ऊपर सही लगती है या नहीं। और वैसे तो मेरे पास दूसरी कैप भी है, एक ब्लैक कलर की, उसको भी पहनता हूँ। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुजेशन करें कि मेरे सिर के ऊपर कौन सी टोपी सही लगती है, बुशहरी वाली या ये ब्लैक वाली टोपी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप ये चीज़। तो बैग भी मेरा रेडी है, ये मैं गाड़ी की चाबी उठा लेता हूँ, बैग में डाल लेता हूँ यार, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगा और आधे रास्ते से मुझे वापस आना पड़ेगा। इसीलिए अब चलता हूँ बैग पैक करके। यहाँ पे मुझे मामी जी मिल गए थे, तो उन्होंने आवाज़ डाली, जो गिम्बल था मेरे हाथ में इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये कौन सा गिम्बल है, इनको नया लगा कुछ ये। तो चलिए अब साइबर में अब अंदर बातचीत करते हैं अपने भाई लोगों से। स्वागत है भाई जी आपके हमारे साइबर में। हेलो, सुबह सुबह ही देखे खाने वगैरह, पेट नहीं भरते। हेलो, स्पेशल सेव आए हैं, कहाँ से आए? कौन स्पेशल सेव लग रहा है? टॉप ऑफ द हिमाचल, ये तो मरीज जैसा लग रहा है सेव यार, कश्मीरी सेव, क्वालिटी वाला सेव खाया कर। रॉयल है ना ये? नहीं नहीं, तो रॉयल है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने साइबर में। यहाँ से मेरे साथ जा रहे हैं हैप्पी राणा। तो कैमरा रेडी है? बिल्कुल कैमरा रेडी है। तो आज हम थोड़ा फोटो शूट भी करेंगे। लवली यहाँ पर बिजी रहेगा, इसको बहुत काम है, बाकी हम बाद में मिलेंगे। ये मेरी फोटो लगी है, कब की है? लगभग 3-4 साल पहले। ये वाली आई है जब मैं जिम यूज किया करता था। आजकल सिक्स पैक की जगह फैमिली पैक हो चुका है। ये सेटअप रेडी हो रहा है, मेमोरी कार्ड भी है, ऐसे तरह खप मेमोरी कार्ड है, बैटरी का नहीं है पता। बैटरी कम है? दोनों में तो जानी। हाँ, दोनों में हो जाएगी, दोनों ले जाने। तो ये हैप्पी ने कैमरा लिया है, न्यू कैमरा। ये देखिए कितने का पड़ा था ये? 60,000 का। चंडीगढ़ से लिया था? चंडीगढ़। ओके, और दूसरे वाला, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? लग तो सेम रहे मुझे। ये मार्क 2 है मॉडल का। ओके, 200D और ये वाला मार्क 2, ये अपडेट होगा ना? हाँ, ये वाला पुराना है। तो ये पुराने वाला है और ये न्यू वाला है। इसका कैरी बैग नहीं है इसके साथ? नहीं, इसका बैग नहीं है, नहीं मिला। चलो कोई ना, इसी में दो भाई इकट्ठे हैं। ठीक है लवली, हम निकलते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं आपको शाम को, क्या दिन को ही आ जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, करना ही जाए। ओके, ये सेब देखिए, छोड़ दे इसके प्राण अब। नहीं नहीं, तो जबा के खा रहा है पूरा। तो गाइस ये हम निकल चुके हैं अपने साइबर से। हेलो 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 हैप्स, हेलो। चलो क्या कर रहे हो? चलो कॉलेज को। लगभग 2 किलोमीटर दूर कॉलेज है। तो आइए आज आपको रामपुर कॉलेज दिखाते हैं।
तो गाइस हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं यहाँ पे। फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं गाइस। ये हम अपना सामान पीछे रख देंगे। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी टियागो में 069102। गर्मी से बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं। तो ये हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब हम निकल चुके हैं रामपुर कॉलेज की ओर। तो दोस्तों गाड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, शीशा बहुत खराब हुआ है, डस्ट काफी आई है शीशे में, थोड़ा विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं दिख पा रही है इस वजह से। तो आगे का व्यू देखिए, ये हमारी ब्लॉक की गलियाँ। अब हम यहाँ से बायाजगा थाना होके जाएंगे, क्योंकि पार इस रोड में काफ़ी जाम लगता है, इसीलिए हम यहाँ से अपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम कॉलेज में। कॉलेज में हमने गाड़ी लगा दी है ग्राउंड के साथ, तो यहां से हमने कुछ एक सामान डालना है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम कॉलेज ग्राउंड के पास, और ये देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, एकदम ऑसम व्यू। हरी हरी घास यहां पर, आजकल बरसात के मौसम में बहुत प्यारा लगता है, ये ग्राउंड हरा भरा रहता है। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा शॉट। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हम कॉलेज कैंपस में, ये देखिए कितना ऑसम व्यू आ रहा है वाइड एंगल के साथ। थोड़ा सा शेकी वीडियो आ रही है क्योंकि जो मेरा गिम्बल है उसकी बैटरी लो हो चुकी है, तो मैं हाथ से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी पहुँचने वाले हम रैक के पास, क्योंकि चार दिन से कॉलेज में नेट बंद था, सुपरिटेंडेंट सर का कॉल आया तो उन्होंने बोला कि नेट को चालू कर लें क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ रही है। सो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं रैक के साथ, और हम पहुँच चुके हैं रैक के पास। तो गाइस यहाँ पे हम अपना काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये हमारे क्लब। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रैक के पास। यहाँ पर काम करने से पहले मैं अपने ग्लव्स पहन लेता हूँ, क्योंकि ये वर्क थोड़ा सा रिस्की रहता है। जब आप इलेक्ट्रिकल वर्क करें तो अपना जो आपके पास सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मुझे फॉल्ट ढूंढने में लगभग एक मिनट लगा, क्योंकि इसमें जो हमारी एसपीडी थी वो बर्न हो चुकी थी हाई वोल्टेज के कारण। तो अभी जैसे ही मैं इनको रिमूव करूँगा उसके बाद मुझे
लगता है हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों रेक्टिफायर इंस्टॉल कर दिया है, अब मैं पावर सप्लाई ऑन करूंगा, फिर देखता हूं सिस्टम ऑन हुआ या नहीं। तो मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी है, तो ये देखिए हमारा सिस्टम अब ऑन हो चुका है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एसपीडियाँ बाहर निकाली, उसके बाद हमारी जो लाइट है वो डिस्प्ले में एकदम आ गई। उसके बाद जो हमारा जो वाईफाई था प्रॉपर वर्क करने लग गया। इस फॉल्ट में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो फाइनली हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। और जो ये फॉल्टी मटेरियल है मैंने बाहर निकाल दिया है एसपीडियाँ, इनको मैं वापस वेयर हाउस भेज दूँगा। ये जो मेरा सामान है मैं इसको बैग में डाल देता हूँ, पैक कर लेता हूँ इसको, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखिए हैप्पी के चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल है, क्योंकि काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसी धूप में हमने एक टास्क कंप्लीट किया। अभी जो धूप है बिल्कुल सिर के ऊपर है, काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पर। ये देखिए फाइनली हमारा वाईफाई वर्क करने लग गया है। तो कॉलेज का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कॉलेज का व्यू, वो देखिए पीछे बच्चे बैठे हैं, फ़ोटो शूट हो रहा है मेरा। यस हाँ ऐसे ले, नहीं 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 ऐसे ले यार, वो देखिए पीछे बच्चे छाया में बिल्कुल। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम कॉलेज ग्राउंड में। ये देखिए है हमारे हाथ में कैमरा, और अब हम यहाँ पर फ़ोटो शूट करेंगे। यार थोड़ा ऊपर से लेना, पीछे वाला व्यू आना चाहिए। हाँ ऐसे, ये सही आ रहा है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है कॉलेज का, बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो हरी हरी घास दिख रही है ना, मन कर रहा है इसके ऊपर सो जाऊं मैं यार, पर धूप बहुत है। तो दोस्तों हम चल पड़ते हैं अब वापस अपने रूम की ओर, बहुत धूप लग रही है यार। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गाड़ी के पास, वो देखिए वहाँ पर हमारी गाड़ी लगी है बिल्कुल लास्ट में, अपनी टियागो यहाँ पर इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते रहते, तो ऐसा ना हो कहीं कि बॉल से ही लग जाए। तो फाइनली अब हम चल पड़ते हैं वापस। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।